दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रॉबेरी के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में आपको कैलोरीज मिल जाती है 32। इसका टेस्ट स्लाइटली थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। डायबिटीज पेशेंट इसको ले सकते हैं। कैलोरीज भी इसमें काफ़ी कम है। बात करें फैट की तो इसमें आपको 0.3 ग्राम फैट मिल जाता है। सोडियम इसमें 1 मिलीग्राम मिलता है। टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 7.7 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और वहीं डाइटरी फाइबर इसमें आपको 2 ग्राम मिल जाता है, तो फाइबर भी इसमें अच्छा है जो डाइजेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। शुगर इसमें 4.9 ग्राम है, ऑलमोस्ट 5 ग्राम समझ लीजिए। प्रोटीन इसमें कम है, 0.7 ग्राम है। कैल्शियम इसमें आपको 16 मिलीग्राम मिल जाता है। आयरन 0.4 मिलीग्राम और पोटेशियम इसमें आपको 153 मिलीग्राम मिल जाता है। तो शुगर में ये काफ़ी लो है। कैल्शियम इसमें आपको 16 मिलीग्राम मिल जाता है जो बोन्स वगैरह के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। आयरन इसमें बहुत कम है, 0.4 मिलीग्राम है। पोटेशियम इसमें 153 मिलीग्राम है जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है। कैल्शियम की बात पहले हो चुकी है, इसमें आपको 16 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। कॉपर इसमें आपको 0.05 मिलीग्राम मिलेगा। फ्लोराइड इसमें आपको 4.4 माइक्रोग्राम मिलेगा। अच्छा, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में डिफरेंस है। माइक्रोग्राम कम होता है, मिलीग्राम इससे थोड़ा ज़्यादा होता है। ग्राम मिलीग्राम से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये डिफरेंस याद रखिए। फिर आयरन की बात करें तो इसमें आपको 0.41 मिलीग्राम मिल जाता है। मैग्नीशियम आपको 13 मिलीग्राम मिलेगा इसमें। अच्छा, मैग्नीशियम जो इसमें आपको 13 मिलीग्राम मिल रहा है, ये हेल्दी मसल्स के लिए काफ़ी एसेंशियल माना जाता है। ये एक टाइप का मिनरल है मैग्नीशियम, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्दी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप मैग्नीशियम नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट स्ट्रोक, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैग्नीशियम आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिनरल है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है मैंगनीज। अच्छा, मैग्नीशियम और मैंगनीज में फ़र्क है। मैंगनीज इसमें आपको मिल जाता है 0.386 मिलीग्राम। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। मैंगनीज हेल्प करता है आपके कनेक्टिव टिश्यूज़, बोन्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में और सेक्स हॉर्मोन्स में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है फॉस्फरस, जो इसमें आपको मिलता है 24 मिलीग्राम। अच्छा, फॉस्फरस किस चीज़ में आपको हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ में, दांतों के लिए और हड्डियों के लिए मेन फंक्शन फॉस्फरस का होता है। ये आपकी बोन्स और टीथ को बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पोटेशियम की बात पहले भी हो चुकी है, इसमें आपको मिलता है 153 मिलीग्राम पोटेशियम, जो हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है सेलेनियम, जो आपको इसमें मिल जाता है 0.40 माइक्रोग्राम। क्वांटिटी के हिसाब से कम है। सेलेनियम का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है वो मैं आपको बताता हूँ। सेलेनियम एक सप्लीमेंट्स होता है जो काफ़ी तरीके के बेनिफिट्स आपको देता है, जैसे कि इम्यून को बूस्ट करना, हेयर को इम्प्रूव करना, नेल हेल्थ को इम्प्रूव करना, और अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है इसके अंदर, लेकिन काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिनरल, इसमें आपको सोडियम मिलता है 1 मिलीग्राम। अगेन इसका भी क्वांटिटी कम है, लेकिन सोडियम हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। फिर लास्ट में है जिंक, जो आपको मिल जाता है 0.14 मिलीग्राम। बात करें जिंक की तो जिंक आपके मेटाबॉलिज्म फंक्शन में हेल्प करता है। ये न्यूट्रिएंट भी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि कभी आपको वुंड लग जाए तो उसको हील करने में जिंक हेल्प कर सकता है। टेस्ट है, स्मेल है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में जिंक आपको हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट की बात पहले भी हो चुकी है, इसमें आपको 7.68 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फाइबर भी पहले बता चुका हूँ, 2 ग्राम आपको इसमें फाइबर मिलता है। स्टार्च इसमें काफ़ी कम है, 0.04 ग्राम। शुगर हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है। शुगर का मतलब क्या, यानी ये मीठा है, ठीक है। तो शुगर इसमें आपको 4.89 ग्राम, ऑलमोस्ट 5 ग्राम समझ लीजिए। फ्रक्टोज इसमें आपको 2.44 ग्राम मिल जाता है। ग्लूकोज 1.99 यानी 2 ग्राम। सुक्रोज इसमें आपको 0.47 ग्राम मिल जाता है। शुगर, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सभी मीठे होते हैं। तो अगर आप इन सभी को जोड़ लो, कितना होगा देखो, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9,
और ये तो काउंट में ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट 10 ग्राम पकड़ लेते हैं, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 10 ग्राम आपको शुगर मिलती है। शुगर से मतलब मैं मीठापन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10% आपको इसमें शुगर मिल जाएगी 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में। बात करें इसमें वाटर कंटेंट की, तो 90.95 ग्राम आपको वाटर मिलता है 100 ग्राम स्ट्रॉबेरीज में। तो काफ़ी ज़्यादा वाटर है, ऑलमोस्ट 90% आपको वाटर मिलता है 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में। तो गर्मियों के मौसम में अगर किसी को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, वो स्ट्रॉबेरी बड़े आराम से यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें 90% वाटर है। पानी की कमी आपकी बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती है स्ट्रॉबेरी से। सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ नॉलेज को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।